गाइस वेलकम बैक। तो सो मेरे को अंबे का पहुँचना है ऑफिस के बाद, साढ़े चार साढ़े पाँच का टाइमिंग है, देखते हैं। वेलकम बैक टू आर्कन व्लॉग। तो अभी मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ। तो जब भी अगर संडे को राइड होती है, मेरा सैटरडे को ऑफिस रहता है, तो मेरे को फुल शिफ्ट में ही जाना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं ऑफिस से वापस घर आऊँ, चेंज करूँ, बैग पैक करूँ और सब कुछ पहन के उससे वापस निकलूँ। तो मैं ऑफिस से ही जाता हूँ। बहुत सारे आए थे अगर जो दूसरे उसके हैं, तो वो लोग भी यही करते हैं जो मैं करता हूँ, डायरेक्ट ऑफिस से ही करते हैं, टाइम सेव होता है। बिकॉज अगर आप उससे वापस निकलना हो तो टफ टास्क हो जाता है। बट मेरे पास आज है अच्छा खासा टाइम, अगर मैं साढ़े चार बजे छूट रहा हूँ, तो अगर लाइक 4:45 तक भी अगर मैं निकल गया ऑफिस से, देन आई हैव अ गुड टाइम इन माय हैंड कि यहाँ से बाइक चला के आराम से हम बजा तक पहुँच जाएंगे। बिकॉज ये वाला जो मीटर पॉइंट है, दिस इज न्यू फॉर मी। दो ये लाइक नहीं है क्योंकि पहले वहाँ पे होते थे जब अच्छा होता था। तो महाबलेश्वर का बहुत टाइम बाद जाकर वो उस टैप से हम लोग का हुआ, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको एक्सेस ही नहीं किया था उस टैप को। डोंट टेल मी कि जाम है। नहीं नहीं जाम नहीं, नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे जब जाम लगता है ना, तो बहुत लंबा जाम लगता है। ठीक है, बात के हिसाब से नहीं हो पाएगा, आराम से पहुँच जाऊँगा। तो मिलते हैं आप सुबह डायरेक्टली राइड पे, फुल नॉर्मल। थोड़ा सा लेट निकला ऑफिस से, फिर काम में अटक गया था। अभी क्या कर सकते, अटल क्या बताते, तभी निकला हूँ। गूगल मैप पे तो अंबे का हो खराबी से दिखा रहा था कुछ 40 मिनट 40 किलोमीटर पर, उससे तो जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। मैं तो अभी 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा आराम से। तो अभी नीचे पॉइंट में जाकर कुछ खाऊंगा, क्योंकि भूख तो लगी है मेरे को। बाद में चांस वाइज मैंने आज ही देखा कि 1 लाख ये भी मैं ओवरऑल हो चुके हैं। रियली अप्रिशिएट गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहिए आगे भी। प्लीज गाइस, जो इतने भी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, प्लीज गो अहेड एंड डू द सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑन गो। तो आपसे मैं मिलता हूँ आगे। अभी तो क्या, अभी तो मैं सिटी के अंदर ही हूँ, वो भी अलोन सोलो कर रहा हूँ। आगे सीधा ग्रुप के साथ जब मिलता हूँ, वहाँ पे आपसे मिलता हूँ।
मत पूछ, मिल गया मिल गया मिल गया, हो गया। अरे मैं आके निकल गया, मेरे को भूख लगी जितने कस के। अनुराग अनुराग बारे में कम से कम 2-3 किलोमीटर अंदर गया, वहाँ जाके मेरे को मिला। वो अभी चालू हुआ भाई, मैं यहाँ पे आधे घंटे अच्छा खासा काम हो गया। देखते अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, अभी बीच के एक जगह चाय पॉइंट के रुकेंगे, वहाँ पे देखते अगर और किसी जगह पीछे से अगर आना होगा वो आ जाएगा। दुकान भी यही तो ही है, जिसको पेट्रोल लाना पेट्रोल लाना लोग तक यही तो बोल देते हैं, यही से ही सीधा निकल जाएंगे, यही पार्क कर देते हैं, यही काम देते ना, कोई बगल पेट्रोल पंप पे भर के तुरंत निकलेंगे। आराम से आ जाएगा रे, एकदम आराम से आ जाएगा। इधर आगे क्यों रख बात, बात का आगे क्यों कर रहा, नहीं दुखेगा। Tonight.
तो अभी मस्त हम लोग का नाश्ता हुआ, केक कटिंग हुआ, अपना एक बंदा इसका कर रहा है, मतलब सॉरी उसकी शादी हो रही है तो कॉन्टेक्ट उसके तरफ से ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं कर रहा है, शादी बाहर कर रहा है, तो उसने आके बैचलर एज ए ट्रीट दिया हम लोग को। बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग अभी हो रहा है 10:05, अभी हम लोग निकले हैं माथेरन के लिए, सॉरी महाबलेश्वर के लिए, जो यहाँ से कुछ 48 किलोमीटर है, 1 घंटा 20 मिनट का जर्नी है, तो आराम से हो जाएगा, मतलब कि कुछ 11:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी देखते आगे और क्या क्या मजा आने वाला है। खूब बस हम लोग की बात लगा रही है, सोचा था कि अच्छा खासा मौसम रहेगा, क्योंकि पुणे में 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और महाबलेश्वर में भी देखा था तो बारिश हो रही थी, लेकिन वही है ना बारिश के बाद की गर्मी, वो है ये। अभी तो मतलब सही से धूप फिर से आई भी नहीं है।